और जबलपुर का जिक्र करेंगे, जहां आस्था के साथ खिलवाड़ का एक मामला सामने आया। कटंगी के प्रज्ञाधाम आश्रम में आयोजित सनातन धर्म प्रवचन के मंच पर फुहर डांस का आयोजन किया गया। प्रवचन मंच पर हुए इस फुहर डांस का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है और अब इसकी आलोचना लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कटंगी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रज्ञानंद का आश्रम भी है। यहां पर धार्मिक कार्यक्रम लगातार होते आते हैं और ये भी एक धार्मिक आयोजन से जुड़ी हुई तस्वीर है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर निश्चित तौर पर ये नहीं लगता यहाँ धार्मिक सभा का आयोजन हो रहा है। फुहड़ डांस यहाँ किया गया, आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। जबलपुर की तस्वीरें हैं, कटंगी क्षेत्र जहाँ पर तमाम धार्मिक स्थल आश्रम के तौर पर भी उकेरे गए हैं और अलग अलग जगह सभा होती है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस मंच पर इस प्रकार का डांस होना तमाम सवाल खड़े करता है, आयोजकों पर भी और जो खास मेहमान यहां पर पहुंच रहे थे, जो धार्मिक हस्तियां यहां पर पहुंच रही थी उन पर भी। इस स्टेज पर जहां धार्मिक आयोजन होने थे, कथा वाचन होना था, इसी स्टेज पर एक महिला आपको अश्लील डांस करते हुए नजर आएगी और खासकर उस मंच पर जहां पर कुछ ही देर बाद कथा का वाचन होना है। तो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इसकी आलोचना लगातार सोशल मीडिया पर की जा रही है, आयोजकों पर भी सवाल कि आखिर कैसे इस चीज की परमिशन ऐसे स्टेज पर दी गई। फुहड़ डांस जो तस्वीरों में आपको नजर आता है, खासतौर पर बात यही कि जब एक धार्मिक आयोजन में इस प्रकार का डांस हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि आयोजन धार्मिक दृष्टि से बुलवाया गया। कटंगी का ये दृश्य जहां सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी इसकी लगातार वायरल होती आ रही हैं, प्रज्ञाधाम आश्रम यहां है, कई सारे धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते हैं, हो सकता है कि इसके बाद भी यहाँ पर कथा का वाचन हुआ हो। सेगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन बताइएगा इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या अभी तक संज्ञान इस पर? जी बिल्कुल, ये वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक दो दिन पहले जबलपुर के कटंगी में जो प्रज्ञाधाम का आश्रम है स्वामी प्रज्ञानंद जी का, वहां पर कोई धार्मिक आयोजन हुआ था। क्या आयोजन था अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि धार्मिक आयोजन हुआ था जिसमें साधु संत और स्थानीय लोग शामिल थे। इसी मंच पर जब गाना बजाया गया तो अश्लील गाने पर डांस भी हुआ है, जिस डांस को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह का ये यहाँ पर माहौल बनाया गया, यानी धार्मिक आयोजन में अश्लील डांस का कोई काम नहीं है, उसके बावजूद भी ये कराया गया, जिसको लेकर के अब आयोजकों की आलोचना की जा रही है। और इस मामले में अभी तक ये कोई पक्ष सामने नहीं आया है कि ये कब का वीडियो है और किस तरह से ये पूरा आयोजन किया गया था और आयोजन क्या था वहां पर। लेकिन मंच पर पीछे स्वामी प्रज्ञानंद जी की तस्वीर लगी हुई है जो ये बता रही है कि ये आयोजन धार्मिक था। निश्चित तौर पर इसी के चलते तमाम सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पवन फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें जो कि सवालों के घेरे में, बहुत जरूरी कि आयोजकों की तरफ से इस पर जवाब हो, लेकिन अभी भी इंतजार किया जा रहा है, कोई रीजन कहीं ना कहीं सामने आए कि आखिर क्यों इस वजह से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। कटंगी के प्रज्ञा धाम का ये दृश्य है जहाँ कुछ ही देर बाद, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि प्रज्ञानंद स्वामी खुद पहुँचते भी हैं, धार्मिक आयोजन था, कथा का वाचन यहाँ पर होता है, लेकिन उससे पहले ये फुहड़ डांस जिसका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बुरहानपुर का जिक्र करेंगे, जहां जलेबी विक्रेता दो पड़ोसी दुकानदारों के बीच विवाद हो गया और जमकर मारपीट हुई है। झगड़े में कहाड़ी का तेल भी उड़ेल दिया गया। ये आपको बताया कि दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग इसके बाद घायल हुए। इकबाल चौक में पूरा मामला हुआ, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि दोनों ही दुकानदार एक ही परिवार के हैं। अलग तरह से ये विवाद, चूंकि पारिवारिक विवाद भी है, लेकिन दोनों दुकानदार आपस में जब भिड़े तो लगा कि बहुत बड़ा घमासान छिड़ गया। ये तस्वीर के जरिए भी स्पष्ट होता है, अगल बगल में दुकानें हैं, जलेबी सेंटर एक ही नाम से है, ग्राहक बुलाने के नाम पर विवाद शुरू हुआ था और मारपीट में तब्दील हो गया। अफरा तफरी मची तो पुलिस को पहुंचना पड़ा, मामला शांत करवाया गया, जैसे तैसे फौरन पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। तस्वीरें आप देखें, खबर
खंडवा का जिक्र करेंगे जहां निजी स्कूल संचालकों ने जिला प्रशासन के आदेश नहीं माने हैं। बढ़ती सर्दी के बीच स्कूलों का समय नहीं बदला गया है, नियमित समय पर ही कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। सुबह 8:30 से पहले नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलवाया गया, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ निर्देश दिया है कि स्कूलों के समय में बदलाव करना अनिवार्य होगा। आपको ये भी बताएं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, खंडवा में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है और इसके लिए स्थिति बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, खासतौर पर बच्चों के लिहाज से। और इसी के चलते जिला प्रशासन की तरफ से समय बदला गया, लेकिन खंडवा के प्राइवेट स्कूल मनमानी पर अड़े हुए। तो नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चे उठा गिरा और अब मौसम पूरी तरह से बदल गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे धुंध छाई हुई है और इसी तरह का मौसम अब आने वाले दिनों में भी रहने की संभावना है। खास बात यह है कि स्कूली बच्चे अभी भी जा रहे हैं। प्रशासन ने 9 बजे से पहले नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं लगाने की बात कही है कि 9 बजे के पहले ये कक्षाएं नहीं लगाई जाए, लेकिन इसके बावजूद आज स्कूलों ने ये नियम नहीं माना है और अल सुबह 8 बजे के पहले स्कूल लगाई गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। अत्यधिक सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े, इसलिए नर्सरी से 5वीं तक की शासकीय और निजी स्कूलों की कक्षाओं के लिए आदेश जारी किया कि 9 बजे के पहले ये कक्षाएं नहीं लगाई जाए। लेकिन उसके बावजूद आज स्कूल जल्दी लगे हैं, बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, ऑटो से पहुंचे हैं, बस से, और कई पेरेंट्स भी स्कूल तक पहुंचे हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम में बदलाव आया है, लगातार बारिश भी हो रही है, रात भर भी बारिश हुई है और अभी फिलहाल थोड़ी राहत है, लेकिन धुंध छाई हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध छाई हुई है। स्कूल आज खुले हुए हैं, 9 बजे के पहले बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, जबकि आदेश जारी किए गए थे कि स्कूलों को कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें 9 बजे से पहले स्कूल नहीं बुलाया जाए, लेकिन स्कूल संचालकों ने, स्कूल प्रबंधकों ने सरकारी आदेश नहीं माने हैं। उनका ये कहना है कि अभी उनके पास आदेश नहीं पहुंचे हैं। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा। अगली खबर मंडला से है जहां सरकारी दफ्तर में एक कर्मचारी नशे में नजर आया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कर्मचारी जमीन पर बेसुध पड़ा है और इतना नशे में है कि जमीन से उठ पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरें आप देखिए, वीडियो आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के दफ्तर का है। इस मामले में जब शाखा प्रबंधक से बात की गई तो जांच के बाद कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। ये तस्वीरें आप देखिए मंडला की, वीडियो लगातार वायरल होता हुआ। कर्मचारी नशे में धुत दफ्तर पहुंचता है और इतना धुत के जमीन से उठ पाना तक मुश्किल हो गया उसका। उड़ जा। और सागर से अगली बड़ी खबर, जहां मकरोनिया के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट में हादसा हुआ है और इसी के चलते ये स्थिति पैदा हुई। सागर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा, अफरा तफरी का माहौल चुकी रहा, लोगों के बीच दहशत आ गई। ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, हादसे में एक शख्स बुरी तरह से घायल है जबकि दूसरे व्यक्ति की जान जा चुकी है। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी जानकारी, जहां मतगणना के पहले निर्वाचन आयोग ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिए। काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी करेंगे। हर कमरे में 4-4 कैमरे 360 डिग्री तक नजर रखने वाले हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग रूम तक के लिए जो रास्ता है वहां पर भी कैमरे लगाए जाएंगे, वहां पर भी निगरानी होगी। काउंटिंग स्टेशन पर घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर, पानी बोतल, ये सभी चीजें प्रतिबंधित रहने वाली हैं। किसी भी गड़बड़ी की कोई भी आशंका से इस बार इनकार नहीं किया जा सकता और उसी के चलते पहले से निर्देश मतगणना को लेकर 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर काउंटिंग होगी उस मतगणना स्थल पर तो कैमरे लगेंगे ही, उस स्थल तक पहुंचने के रास्तों पर भी, गलियारों में भी, कॉरिडोर्स पर भी कैमरे लगे होने अनिवार्य होंगे। 360 डिग्री के एंगल पर हर एक तरफ पैनी नजर तीसरे आंख की
निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देशित किया गया है। बड़ी बात है कि काउंटिंग स्टेशन पर घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर और पानी की बोतल भी ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। जो चीजें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएंगी उसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ नहीं ले जा सकेंगे। ये तमाम कर्मचारियों के लिए निर्देश हैं। खासतौर पर जो कैंडिडेट्स कांग्रेस, बीजेपी, अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी खास तौर पर निर्देश है कि मतगणना स्थल पर एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। बाहर से आपको जो अपडेट दिया जाएगा महज उसके भरोसे आप रहेंगे, लेकिन अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। किसी भी गड़बड़ी को लेकर पहले से आश्वस्त होने की जरूरत, चुनाव आयोग इसके लिए पहले से निर्देशित कर चुका है। कैमरों के जरिए नजर, अलग अलग जगहों पर कर्मचारियों की मौजूदगी, जिससे कहीं भी कोई भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो उसके लिए कार्रवाई तीसरी आंख की मॉनिटरिंग के जरिए हो सके। काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये तमाम नियम, सीसीटीवी कैमरों की इंस्टॉलिंग, जहां चार चार कैमरे एक ही मतगणना स्थल पर होंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जरा बताइएगा विस्तार से क्या कुछ निर्देशित किया गया है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि कहीं भी स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी, सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी, हर स्ट्रांग रूम के बाहर चार चार कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह कोई गड़बड़ी ना हो। जो मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर जहां अंदर स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी है, जहां पोस्टल बैलेट रखे हैं, वह सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। इसके अलावा अहम बात यह है कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी जाएंगे या जो भी सिक्योरिटी अंदर जो भी रहेगा मतदान स्ट्रांग रूम के अंदर, उन सब के पास किसी भी तरह की कोई ऐसी मोबाइल या सामग्री नहीं रहेगी जिससे कि कोई गड़बड़ की आशंका हो या संभावना हो। केवल कोरा कागज और पेन ही कोई भी प्रत्याशी या उनके जो एजेंट है वो ले जा सकेंगे। इसके अलावा सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश हैं। शासन से को भी, जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवांछित व्यक्ति को आसपास भी नहीं रहने दिया जाए। पुलिस का पहरा भी डबल किया जा रहा है, अभी तक जितनी संख्या थी वो दोगुनी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे भी पहले 30-30 के करीब हर स्ट्रांग रूम में लगे थे, जिन्हें अब डबल कर दिया गया है। सभी जगह 70 से 72 कैमरे लगाए गए, तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब क्योंकि काउंटिंग में 2 ही दिन बचे हैं, तो सारे दिशा निर्देश के बाद आज से सभी और सभी राज्य निर्वाचन आयोग के दौरों के बाद सभी जगह पे जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो जाकर चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बालाघाट वाली घटना जिस तरह से आई थी उसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए थे, तो अब किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो इसको लेकर कड़ी निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, कड़ी निगरानी रखने की तैयारी, और ये देखना होगा कितना सफल रहता है ये सब। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र फिलहाल जानकारी के लिए। और धार का जिक्र करेंगे, जहां चार पहिया वाहन से स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया है और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो, लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बताएं कि 3 युवक वाहन को प्रसिद्धि देवी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाया, वायरल कर दिया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद नौगांव थाना पुलिस हरकत में आई। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे क्योंकि इस मामले को लेकर अब बहुत ज्यादा बवाल मच चुका है, तो पुलिस की तरफ से फौरन संज्ञान भी लिया गया। 3 युवकों पर कार्रवाई करते हुए 3,500 रुपए का जुर्माना लगाया। इस घटना के बाद स्टंट करने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, इस घटना के लिए सभी से माफी मांगी है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, देवी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर गाड़ी चढ़ाने का यह प्रयास, इसमें 3 युवक आपको नजर आएंगे। कार्रवाई इनको लेकर हुई है। नायक, मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने एक मन्नत ली थी कि मेरी जो मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं माता मां के दरबार पे गाड़ी ला के 4 सीढ़ी चढ़ाऊंगा। मैंने मेरी मन्नत के कारण गाड़ी चढ़ाई है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। मैं खुद माता जी का बहुत बड़ा भक्त। और प्रधानमंत्री मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 13 दुबई पहुंचे। यूएई के डिप्टी पीएम ने पीएम मोदी का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान भारतीय प्रवासियों ने सारे जहां से अच्छा गाया, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे सुनाई दिए। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को COP28 के नाम से जाना गया। आपको बताएं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए दुनिया के कई नेता इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, उसका भी इंतजार। लेकिन इस दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री दुबई पहुंचे, भारतीय प्रवासियों ने उनका किस प्रकार से स्वागत किया, इंडियन कल्चर की जो झलक
आप विदेशों में देखते हैं जब जब पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत की लहर, उत्साह आप तक भी निश्चित पहुंचेगा। यूएई के डिप्टी पीएम जी स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री के पूरी भव्यता के साथ यहां स्वागत हुआ। और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।